चील से सीखने वाली दो बातें। पहली, चील अपने शिकार पर बहुत पहले से निगाह रखती है और तब तक अपनी नज़र नहीं हटाती जब तक कि उसको अपना शिकार बना नहीं लेती। इसमें सीख यह है, लक्ष्य को भेदने का तरीका चील से सीखना चाहिए। और दूसरी, चील के जीवन के सबसे दुखदायी समय, वह एक समय अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ती है और अपने पंखों को उसी चोंच से खींच खींच कर निकालती है, क्योंकि उम्र के एक पड़ाव पर आकर ये दोनों अपनी ताकत खो देते हैं। ये एक बहुत अधिक पीड़ादायी प्रक्रिया है, पर कुछ ही समय बाद वह नई चोंच और नए ताकत और पंखों के साथ चील नई शक्ति के साथ और प्रखर हो जाती है। इससे सीख ये है, हमें अपने जीवन की कुछ ऐसी आदतों को छोड़ देना चाहिए जो हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखती, चाहे उनको छोड़ते समय कितनी ही पीड़ा हो, क्योंकि वह आपको एक नई ऊंचाइयों तक जाने में रोक सकती है, उसमें बाधा बन सकती है।